कर्नाटक के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान मल्लिकार्जुन खड़गे गुरुवार को कर सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सिद्धारमैया सीएम की रेस में सबसे आगे हैं और उनका मुख्यमंत्री बनना लगभग तय हो गया है। दूसरी ओर कांग्रेस आलाकमान सीएम पद के दूसरे दावेदार डीके शिवकुमार से मुलाकात कर उन्हें मनाने में जुटे हैं और उनकी चिंताओं का समाधान करने का आश्वासन दे रहे हैं। कर्नाटक के सीएम को लेकर चार दिन से जारी कयासों का दौर अब खत्म हो गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सिद्धारमैया ही कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री होंगे। वो कल सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। हालांकि वो अकेले ही शपथ लेंगे, उनके साथ कोई विधायक मंत्री पद की शपथ नहीं लेगा। कल बेंगलुरु में विधायक दल की बैठक भी होगी। कर्नाटक में 13 मई को विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए थे। चुनाव में कांग्रेस ने प्रचंड जीत हासिल की और बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर दिया। कांग्रेस ने चुनाव से पहले सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया था। ऐसे में चुनाव के बाद पूर्व सीएम सिद्धारमैया और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने सीएम पद के लिए दावेदारी की थी। इसके बाद आलाकमान ने दोनों नेताओं को दिल्ली बुलाया था। चार दिन के मंथन और कई दौर की बातचीत के बाद भी नाम पर आम सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन सिद्धारमैया इस रेस में आगे चल रहे हैं। आपकी इस मामले में क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताइए, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल खबर बेबाक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।